क्या मालीवाल की सीट सिंघवी को देने वाले हैं केजरीवाल? दावा यही बात सीएम से करने गई तो पीए ने की बदतमीजी। मैं अभी सीएम के घर पर हूं, उन्होंने अपने पीए विभव कुमार से मुझे बुरी तरह पिटवाया है। 13 मई की सुबह 9:30 बजे पुलिस के पास एक फोन आया, कॉलर ने सिर्फ एक लाइन में शिकायत दर्ज कराई। फोन सीएम हाउस से था, कॉलर राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल थी और आरोप दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के भरोसेमंद सहयोगी विभव कुमार पर था। पुलिस एक्टिव हुई लेकिन स्वाति मालीवाल गायब हो गई, उन्होंने न एफआईआर कराई न फिर सामने आई। स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद हैं, ऐसा दावा है कि पार्टी ने उनसे इस्तीफा मांगा है। स्वाति मालीवाल इसी मसले पर बात करने अरविंद केजरीवाल के घर गई थी, हालांकि इस पर अभी कोई खुलकर नहीं बोल रहा है। चर्चा है कि अरविंद केजरीवाल स्वाति की जगह अभिषेक मनु सिंघवी को राज्यसभा भेजना चाहते हैं। स्वाति पार्टी की सबसे तेज तर्रार नेता, उनकी चुप्पी पर सहयोगी हैरान। आम आदमी पार्टी में स्वाति मालीवाल से ज्यादा तेज तर्रार और बोलने वाला कोई नेता नहीं है। उनके साथ काम कर चुके एक पुराने सहयोगी कहते हैं, हैरानी इसी बात की है कि स्वाति चुप है, वे चुप रहने वालों में से नहीं है, ये केजरीवाल और उनकी पार्टी के सभी लोगों को पता है। वे आगे कहते हैं, संजय सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस उसी डैमेज को कंट्रोल करने की स्ट्रेटेजी का हिस्सा थी जो स्वाति सीएम और पार्टी के खिलाफ बोलकर कर सकती थी। स्वाति के पास गैर सरकारी संगठन परिवर्तन से पार्टी बनने तक और उसके बाद की कई बातें हैं, ये चुनाव के वक्त बाहर आई तो बड़ा डैमेज हो सकता है। आम आदमी पार्टी में स्वाति मालीवाल के तीन पुराने सहयोगियों से जब हमने बात की तो इनमें वो लोग भी हैं जो स्वाति मालीवाल को एनजीओ के दिनों से जानते हैं। वे अपनी पहचान नहीं बताना चाहते लेकिन उस दिन की कहानी से लेकर स्वाति की चुप्पी और अरविंद केजरीवाल से दूरी पर खुलकर बात की। चार पॉइंट्स में समझिए उस दिन ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से स्वाति को पूरी कंप्लेंट करनी पड़ी और फिर क्या हुआ कि उन्होंने चुप्पी साध ली। फिर विभव से कहा कि पता करें कि कितना वक्त लगेगा। विभव ने साफ कह दिया कि सीएम व्यस्त हैं, इंतजार करना ही होगा, उसके बाद भी वे मिल पाएंगे या नहीं पक्के तौर पर कुछ नहीं बता सकते। इससे स्वाति नाराज हो गई, बिना परमिशन का इंतजार किए वो ड्राइंग रूम से सीएम के कमरे की तरफ जाने लगी। विभव ने रोका तो स्वाति ने उन्हें इस मामले से दूर रहने की हिदायत दी। विभव को अपनी ड्यूटी करनी थी, उन्हें ऊपर से मिले ऑर्डर का पालन करना था। उन्होंने रास्ता रोका तो स्वाति ने उन पर मारपीट का आरोप लगा दिया और पुलिस को फोन कर दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सोहागी बाईपास।